हेलो सर, एक्चुअली मेरा नाम यश है। हम लोग यूट्यूब चैनल से सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेलोडी टॉक्स करके। सर भी बहुत बड़े फेमस कलाकार हैं नागपुर के हमारे। सो व्हाट्स योर नेम सर? जैकी। आप मुझे सर्च कर सकते हो आरजे जैकी। या सर, रेडियो चौकी पे बहुत अच्छा काम करता है, हमें सुना सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत कुछ सुनाते हैं। क्या बोलते हैं नागपुर की पब्लिक। सो हेलो गाइज, मेरे साथ में एनी रे, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, बहुत ही चॉकलेट पर्सनालिटी बोल सकते हो आप नागपुर की। सो एक्चुअली इनका चैनल है यूट्यूब के ऊपर 41,000 सब्सक्राइबर्स हैं। नागपुर के पहले ही ऐसे बंदे थे जिन्हें सिल्वर प्लेट मिली हुई थी, एंड कांग्रेचुलेशन सर फॉर दैट। थैंक्स अ लॉट। 2 साल पुरानी बात है, अभी की बात नहीं है, 2 साल हो गए उस चीज के लिए। और बहुत ही अच्छा चैनल इनफैक्ट आज की। हाँ, आज हम लोग एनी रे से ये पूछने वाले हैं कि आज का जो थीम है, टॉपिक है, नागपुरियंस के लिए पहली नजर का पहला प्यार कैसा होता है। वैसे तो मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि पहली नजर का पहला प्यार। झूठ बोल रहे सर, झूठ बोल रहे, पकड़ लिए कैमरे में, पकड़ लिया। जब भी मैं देखता हूँ किसी को, वैसे ही प्यार हो जाता है मेरे को। कि जब हम लोग यंग रहते हैं एंड जब स्मॉल से बड़े होते हैं, आई मीन टू से जब किड्स रहते हैं, तभी प्यार हो ही जाता है। तो मेरे टाइम का, एज मैं 90s का किड हूँ, तो उस टाइम पे जो पहला प्यार हुआ था वो दिव्या भारती करके एक्ट्रेस थी, ठीक है ना। तो तब हम लोग देखते थे, अरे हाँ, शाहरुख खान आया हुआ था एंड उनके साथ एक मूवी थी, इसके साथ, ऋषि कपूर के साथ। तो ये देख के लगता था कि बड़ा होकर ऐसी गर्लफ्रेंड बनने को चाहिए था। तब गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड का उतना सीन नहीं होता, लेकिन लगता था हाँ, ऐसी वाइफ होनी चाहिए थी। स्वीट होता है, चाइल्डिश होता है, नादान होता है। हाँ, दैट्स इट। आपको हुआ है? हाँ, तभी। और हर चीज परफेक्ट नहीं होती है, बट जो भी होता है मेमोरेबल होता है। या ये तो बहुत अच्छी बात। क्या हुआ है, कैसे हुआ है? टेंथ क्लास, 10th की बात है, जब मैं क्लास 10 में था, दूसरे स्कूल की कमांडर थी, जिसका स्कूल बिल्कुल साथ में ऐसे खड़े होता था, मतलब ये कमांडिंग मेरा यहाँ पर है, उसका कमांडिंग वहाँ पर है। तो मेरे पास फोन उस टाइम पे हुआ नहीं करता था कि फ़ोन नंबर ही शेयर कर लो, कुछ कर लो। तो जस्ट देखा ही था, 10-15 दिन देखा ही है भाई लड़की को कि क्या है क्या नहीं। मैं डर लगता ना, पहली बार है, लड़की अप्रोच क्या करेगा बंदा। मुझे एक ही बार हुआ है पहली नज़र पहला प्यार, और अभी वो जारी है वो प्यार, वो है जो माइक के साथ, जो मेरे साथ हमेशा हुआ है। मतलब मैंने बचपन में रेडियो जॉके को देखा था, अपने स्कूल में अपने क्लास में एज अ गेस्ट बन के आए थे। उसके बाद भाई मुझे ऐसा लगा कि मुझे यही करना है, तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया, और अब 5 साल से मैं रेडियो जॉकी हूँ, और अभी अपना खुद का व्लॉगिंग चैनल भी है, तो माइक है। सो माइक से ये जो पहला प्यार है, बहुत गहरा प्यार है, और मुझे नहीं लगता कि अगले 7 जन्मों तक भी मतलब छूट सकेगा। तो ये मेरा पहला प्यार है। फाइनल डे आ गया, दोस्त को बताया, हमारा स्कूल हमें लेके वापस चला गया था। हमारा फ्रेंड बोलता है, नहीं भाई, आखिरी दिन है, अगर आज ही बोलेगा ना तो कभी नहीं बोल पाएगा। जिसको देखो उससे प्यार हो जाता है मेरे को। अच्छा, कितनों को देखा है ऐसे? तो फिर आपको 1,000-2,000 ऐसे गिनने जाऊंगा तो फिर तो हो गया, फिर हर लड़की का फेस आते रहेगा मेरे दिमाग में एकदम। फिर भी अंदाजे से कितना, 1,00,000-1.5 लाख, 2 लाख, कितना प्यार हुआ कर लिया होगा मैंने। हाँ, बचपन से अभी तक ने सर तो क्रॉस कर ही आराम से 5 लाख तो मैंने कमी किया। तो सिर्फ वेडिंग्स के है, वेडिंग्स में जब भी सर जाते हैं 5-10 लाख वेडिंग्स में मिलते हैं, लेकिन ऐसे घूमते रहते तो उससे ज्यादा ही हो गया। चीज पूछना चाहूंगा रेडियो जो, जैसे आपने बोला कि फोन कॉल आते, तो कभी फोन कॉल पे कभी लड़की ने बोली हाय जैकी, आई मिस यू एंड आई लव यू? हाँ, बोलते हैं लोग, बोलते हैं फोन जब करते हैं तो बोलते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि माइक के पीछे कौन है, क्या है, कैसी है। लेकिन अच्छा लगता है जब इतना सारा प्यार मिलता है, लेकिन हमारे भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं जो हमें बोलना पड़ता है, नहीं भैया रुक जाओ, हो गया। नहीं तो माइक के ऊपर ही सब कुछ हो जाता तो बहुत इजी हो जाता। बट एनीवे सर, इज टू ऑसम, बहुत एंटरटेन करते हैं हमें नागपुर में, एंड थैंक यू सो मच सर एंटरटेन करने के लिए। भाई आप बताओ भाई, कैसा प्यार होता है, कब होता है, क्यों होता है? सिंगल रहो तो सभी से होता है बेसिकली, नहीं रहो तो फिर ज़्यादा नज़र जाती नहीं है। अच्छा, पहला प्यार पता नहीं यार, होता है, अलग सा होता है, बट कुछ खास नहीं होता। कैसा खास नहीं होता है? आँखों में आँखें मिलती है, तीर लगता है दिल पे, जुबान पे आती है मेंटो फ्रेश, दिमाग की बत्ती जल जाती है, बत्ती बुझ जाती है। कुछ समझ में नहीं आता। पहले प्यार में बत्ती बुझ जाती है, सेकंड वाले में समझ में आता है। अच्छा, ऐसा ही क्या? एक्चुअली ऐसा ही होता है। ये एक्सपीरियंस बंदे है, लग रहा है बहुत एक्सपीरियंस है भाई को प्यार के मामले में। सो इसीलिए भाई पूरा डेफिनेशन बहुत प्यार से बताएंगे। तो मुझे बताओ, खट्टा होता है, मीठा होता है, प्यार कैसा होता है? यार प्यार का तो कोई टेस्ट नहीं रहता, लेकिन सारे टेस्ट का जो मिक्सचर रहता है ना, वैसा होता है प्यार। पहली नजर का पहला प्यार। मीठा खट्टा क्या मतलब, अच्छा रहता है। देखो ये मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते आप,
कर ही नहीं सकते, आप वर्डिंग से नहीं बता सकते कि कैसा लग रहा, आप मीठा खट्टा या कोई फील नहीं दे सकते उसको। सतरंगी सतरंगी रहता है, सारी चीजें आ जाती है। अच्छा भाई बताएंगे भाई कैसा होता है पहली नजर का पहला प्यार, कैसा होता है पहली नजर का पहला प्यार? नजर का तो नहीं पता, पहला प्यार मीठा मीठा है। चक्के देखा है कि तूने? नहीं तो फिर बट वो फीलिंग होती है, फीलिंग होती मीठी मीठी वाली फीलिंग होती है। नहीं वो सारे आ जाते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता कैसी है। बेहतर रहते बेहतर रहते बेहतर, और गाने सुनते रहते, फ्लो में बैठते जाओ और गाने सुनते जाओ। एक कड़वा होता है एक्चुअली। पहला पैर कड़वा होता है? क्यों ऐसा यार? बस होता है, समझ नहीं होती, कुछ भी करता है इंसान। कुछ भी, व्हाट डू यू मीन? कुछ भी मतलब क्या? कुछ भी इन द सेंस, मतलब बच्चा बन जाता है, बड़ा आदमी बच्चा बन जाता है। पहले प्यार में अकल आ जाती है। मैंने तो सुना मैं तो बच्चे ही हो जाते हैं सब। मैंने ऐसा सुना है कि पहला प्यार ही हमारी जिंदगी का बहुत खास बहुत अमेजिंग होता है। वो हमको सबक सिखाता है लड़कों को एंड लड़कियों को, लड़कियों को भी सबक सिखाता है। नॉट नेसेसरी कि हर बार लड़कियां ही काटती है, लड़के भी काटते हैं। अच्छा हार्ट ब्रोकन भी है? पहले प्यार में हार्ट ब्रोकन होने का मजा आता है नहीं आता है? अरे बहुत मजा आता है। कैसा मजा आता है? बहुत दर्द होता है, इट्स लाइक पहली बार सब खत्म हो गया, ऐसा लगता है अब आगे कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं होने वाला है, लाइफ खत्म है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचता है, बस वही 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 दिखता है। सैड सॉन्ग्स तो कौन से सॉन्ग सुनते हो आप जब आपको पहला प्यार धोखा में धोखा मिल जाता है, जो भी है? ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम लेंगी। एंड भाई आपको? हनी सिंह। वॉल्यूम वन मत बोलना भाई। नहीं नहीं नहीं, ब्रेकअप पार्टी मूव ऑन के लिए बेस्ट है। अभी टेस्ट तो करके देखा नहीं, जिस दिन करूंगा तब पक्का बता दूंगा। मैं भी पूछूंगा, मैं भी उस दिन का बहुत अच्छे से वेट करूंगा जब सर को प्यार होगा और सर मुझे बोलेंगे यश आई एम इन लव भाई। कट्टा हो रहा है, कैसा होता है बताएंगे आप लोगों को। तो तब तक आप चैनल को, चैनल पे जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज चैनल को देखते रहिए, जब तक कि सर को प्यार ना हो तब तक चैनल देखते रहिए। खट्टा या मीठा है प्लीज चैनल पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सर बहुत बड़े यूट्यूबर है भाई, सर आप प्लीज कुछ बोलिए। क्या बोलें आप लोग, आप लोग इतना बोलने लगा रहे हो, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। एनी वे यार सर एनी भाई के साथ में बहुत अच्छा काम करते हैं एंड आई होप सर बहुत ऊपर जाए, बहुत 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 ऊपर जाए। हमें अपना आशीर्वाद देते रहे, जाओ आप लोग भी ऊपर जाओ, हम लोगों की दुआ हमेशा रहेंगी आप लोगों के साथ। यश मैंने तुम्हारा चैनल देखा एंड यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब यार, क्योंकि नागपुर में इस टाइप का चैनल कोई बना नहीं था। आप लोग बहुत इनोवेटिव काम कर रहे हैं गाइस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके बस पहला प्यार चूतिया होता है बहुत ज्यादा, बस दैट्स इट। बस थैंक यू सो मच सर एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग इनका चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि इनके नोटिफिकेशंस आपको आते रहें। सो थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक यू सो मच। ओके जैसे कि मैम ने बोला है कि सब्सक्राइब टू माय चैनल, दिस इज नॉट माय चैनल, दिस इज आवर चैनल, तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल मालू डी डॉग्स एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय।